हे hey दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे RTO व्हीकल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के बारे में। यह एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ये एक तरह का इंडिया में जितनी बाइकें कार हैं यानी जो व्हीकल चलती हैं इंडिया में उनका इंफॉर्मेशन निकालने का एप्लीकेशन है, जिसमें हम व्हीकल का रजिस्ट्रेशन डेट और इंश्योरेंस और साथ में चलान हर एक चीज़ को जान सकते हैं। अभी तक इस एप्लीकेशन को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, 3.7 की रेटिंग मिली हुई है। जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, ऐड को कट करेंगे, फिर हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए, मैं यहाँ पर अगर आपको RC सर्च करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको रीसेल यानी सेकेंड हैंड बाइक या कुछ भी देखना है कार, तो रीसेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कार, बाइक और स्कूटी, इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको डिटेल देना होगा। जैसे यहाँ पर किस मार्केट, किसका होंडा का चाहिए, मॉडल कौन सा चाहिए, ठीक है, किस ईयर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ सेट होने के बाद आपको कितनी किलोमीटर चाहिए, कितने मीटर किलोमीटर चलना चाहिए। तो अभी के लिए मैं डालता हूँ 50,000। चेक बाइक प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, ये ऐड कट करते हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर ये मिल गया, ये हमारा जो होंडा CB 1000R करके 2018 मॉडल 50 किलोमीटर चला हुआ गाड़ी आपको रीसेल वैल्यू में मिलेगा 59,000 से, ठीक है, सॉरी 5,97,000, काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है गुड कंडीशन में, ठीक है। अब इसके अलावा होंडा का अगर कोई हीरो का देखते हैं हम, हीरो का चाहे TVS का देखते हैं, TVS का अपरिचित नहीं हमको कोई सिटी स्टार देखते हैं, ठीक है, चेक प्राइस पे करते हैं। सबसे ये सब डालना पड़ेगा तब जाकर होगा। सबसे पहले 2016 का, और चलिए इतना देखते हैं। अब ये ऐड आया, ऐड को कट करेंगे, ठीक है, ऐड को कट करने के बाद आपके आगे दिखाते हैं मैं आपको। अभी देखिए ऐड ख़त्म हो चुका है, ऐड को कट करते हैं हम लोग यहाँ से। और यहाँ से ऐड कट करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो वैल्यू है, कितना वैल्यू हो सकता है अगर इतना आप इतने कंडीशन के साथ 16,000 से 17,000 रुपये में आपको ये कंडीशन में गाड़ी मिल सकता है 2016 मॉडल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर रीसाइकिल वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे कोई बाइक बेच रहा है तो उसका सब कुछ यहाँ पर डिटेल डालकर, जैसे कौन सा कंपनी है, उसका मॉडल कौन सा है, कौन साल लिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल दिखा देगा, CC भी दिखा देगा, कितना किलोमीटर चला है। उसके बाद चेक प्राइस पे क्लिक करेंगे ना तो मालूम चल जाएगा इस गाड़ी का वैल्यू कितना है रीसेल में, सेकेंड हैंड में कितने में ख़रीदना चाहिए इस गाड़ी को, ठीक है। इस तरह से आप कार का, यहाँ से आप कार का वैल्यू निकाल सकते हैं, बाइक का और साथ में स्कूटी का, ठीक है ना। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं। यहाँ से देखिए लोन का आपका डिटेल, अगर आप लोन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्हीकल का नंबर डालना होगा और यहाँ पर लोन डिटेल आपका निकल जाएगा। अगर कार का इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस ये सब चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसके वेबसाइट से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं एक बाइक का डालता हूँ यहाँ पर, व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है। तो UP यहाँ पर मैंने डाला, UP 57 और B, ठीक है, J 7246 सही रहेगा। तो ये दिखा देगा यहाँ पर, देखिए चेक हो रहा है इंश्योरेंस लोन, इस पर चेक कर रहा है कि लोन बचा है कि नहीं यहाँ पर। तो जैसे ही चेक हो जाएगा तो यहाँ पर शो कर देगा हम लोगों को, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी इस नंबर पे कोई इंश्योरेंस शो नहीं कर रहा है। अगर आप आपका अपना चेक करना है तो अपना नंबर डालिएगा तो हो सकता है आपको दिखा दे, ठीक है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ड्राइविंग स्कूल का भी है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसका ड्राइविंग स्कूल पता कर सकते हैं आपके आसपास में कितने दूरी पे है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो भी हिस्ट्री आपका दिखेगा, यहाँ पर हिस्ट्री वाले सेक्शन में जो कुछ भी आपने इस एप्लीकेशन की मदद से किया होगा सब कुछ यहाँ शो करेगा। सर्विस सेंटर आपको यहाँ से दे सकते हैं और माई व्हीकल का डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई किसी भी बाइक का, किसी भी कार का इंफॉर्मेशन निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं उसका नंबर डालकर, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पेट्रोल का प्राइस है आपका यहाँ डेली बेस पर दिखाएगा, डीजल का प्राइस और यहाँ पर CNG का प्राइस, और ये कहाँ का है, गुजरात अहमदाबाद का है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एज, GST, माइलेज, ठीक है, EMI सब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा और क्या है, यहाँ पर कार का भी आपको दिया, ये तो नॉर्मल सा सेटिंग था, यहाँ पर देखेंगे कार का दिया है। कार वाले सेक्शन में यहाँ पर भी आपने किसी ब्रांड को लेना चाहते हैं, किसी कार को लेना चाहते हैं, वो पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रहा है ये ऑल ऑप्शन,
अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप आरसी सर्विस सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आरसी सर्च कर सकते हैं, इंश्योरेंस और व्हीकल सर्विस। साथ में आपको कार्ड यूज़ करना है तो आप यहाँ से सेलर कार, ठीक है, एसेसरीज़ यहाँ पर सब ले सकते हैं इस कार का, ठीक है। बाइक के लिए भी यहाँ से मिल सकता है सब डिटेल्स। इसी तरह यहाँ पर आपको नियर बाई पैलेस दिखा रहे हैं, यानी पेट्रोल नियर बाई कौन सा है, कार वॉशिंग कहाँ होता है, चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, ये सब डिटेल इस एप्लीकेशन की मदद से ले सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन दे रहा है आपको ये बाइक वाला, ठीक है। हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप TVS का बाइक के ब्रांड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हीरो का है, हीरो पे क्लिक किया तो यहाँ से देखिए हीरो स्प्लेंडर कितने का है, कितने माइलेज देता है, ये सब डिटेल आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में मिलता है आपको अकाउंट क्रिएट यहाँ पर प्रोफाइल का, जिसमें आप अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन का प्रीमियम प्लान भी लेना चाहें ले सकते हैं। यहाँ पर RTO टेस्ट है, यानी अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सोच रहे हैं तो आप RTO टेस्ट का भी ले सकते हैं। साथ में आप ऐप को शेयर कर सकते हैं और कुछ नहीं है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से, कहने का तात्पर्य यह है कि इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी कार या बाइक स्कूटी हर एक चीज़ का डिटेल ले सकते हैं कि RC क्या है, कितना है, या फिर अगर आपको कोई आपके पास कोई बाइक है या किसी से बाइक खरीद रहे हैं तो उसका डिटेल डालकर उसका रीसेल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन है, आप बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोकेशन का ऑप्शन, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोकेशन भी सेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी डाल देता हूँ, ओके, यहाँ मैंने डाल दिया गोरखपुर। अब गोरखपुर के वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर लोकेशन हर एक चीज़ शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन की मदद से अपने बाइक से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, अपने व्हीकल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं।